नागराज रुद्र और नागरानी मनसा शहर में थे और वहां शैतान सोच सोच के परेशान था कि आखिर नागराज और नागरानी गए कहां। तुम लोग मुझसे नहीं छुप सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा नागराज और नागरानी। पर कैसे मालिक? तुम तीनों जाओ और अलग अलग जगहों की मिट्टी ले आओ। अब मिट्टी ही हमें बताएगी कि वो नागराज रुद्र और नागरानी मनसा है कहाँ। मिट्टी से क्या होगा शैतान? क्या होगा वो तो तुझे पता चली जाएगा तारिका, अब जल्दी जा। तारक और तारिका उत्तर की तरफ गए और मोर दक्षिण की तरफ उड़ गया। वो हर जगह रुक रुक कर मिट्टी जमा रहे थे। पता नहीं शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, मिट्टी से कैसे पता चलेगा कि नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। मोर शहर की ओर उड़ गया और उसने शहर की मिट्टी भी जमा ली। कुछ देर बाद तीनों राक्षस शैतान के पास लौटे। अब कैसे छुपोगे नागराज रुद्र? अब मिट्टी ही तुम्हारा पता मुझे बताएगी। सारी मिट्टी मेरे सामने रख दो। राक्षसों ने सारी मिट्टी शैतान के सामने रख दी। शैतान कुछ मंत्र पढ़ने लग गया। शैतान, इस मिट्टी से तुम क्या करने वाले हो? देखती जाओ। ओम ब्रिम क्रिम, ओम ब्रिम क्रिम, ओम ब्रिम क्रिम, ओम ब्रिम क्रिम, धरती बता नागराज का पता। शैतान ने अपनी जादुई आंखों से मिट्टी को देखा और उनमें से एक मिट्टी उसके देखते ही काली हो गई। शैतान खुश हो गया। ये किस जगह की मिट्टी है बताओ, ये कौन सी जगह है? ये शहर की मिट्टी है। अच्छा, ठिकाना ढूंढा है नागराज रुद्र ने। सोचा होगा कि मैं कभी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। पर उसे क्या पता मेरी ताकत कितनी है। तो अब हमें बस शहर में नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का ठिकाना ढूंढना है। हाँ बस। शैतान ने अपनी एक आंख मोर के हाथ में दे दी। ये मेरी आंख है मोर, इसे ले जा और शहर में जहाँ भी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा होंगे ये तुम्हें उसका ठिकाना बताएगी। जो आदेश। और तुम दोनों भी इसके साथ जाओ। जी मालिक। शैतान की आंख लेकर तीनों राक्षस उड़ गए। वो तीनों सीधा शहर के बाहर जा पहुंचे। हमें इंसानों का रूप लेना चाहिए। मैं भी यही बोलने वाला था। तीनों राक्षसों ने इंसानी रूप ले लिया और अब उन्होंने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा की खोज शुरू कर दी। यहाँ नागराज रुद्र और नागरानी मनसा से मिलने शेषनाग आए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आज पृथ्वी पर एक बहुत ही अद्भुत घटना होने जा रही है। आकाश से गंगा धरती पर उतरेगी। तुम्हें उस आकाश गंगा में नागमणि का अभिषेक कर इस नागमणि को और भी शक्तिशाली बनाना है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, ये आकाश गंगा कहाँ और कब गिरने वाली है? ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिरेगी, किसी भी वक्त गिर सकती है। हम तीनों को अभी वहां पहुंचना चाहिए। जी गुरुदेव। एक और रुद्र, मनसा और शेषनाग तीनों गायब हो गए और मोर, तारक और तारिका तीनों शहर के बाहर पहुंचे। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनमें से नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को कैसे ढूंढ पाएंगे हम? बहुत आसान है तारिका। जब भी उनमें से कोई भी एक शैतान की आंखों के सामने से जाएगा, शैतान हमें इशारा कर देगा और हम उन दोनों को ढूंढ लेंगे। ठीक है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। मोर, तारक और तारिका तीनों बाजार में थे। मोर ने शैतान की आंख को अपनी टोपी में लगा लिया था ताकि शैतान सब कुछ देख पाए। नागराज रुद्र, नागरानी मनसा और शेषनाग हिमालय की चोटी के नीचे पहुंचे। यही वो अद्भुत जगह है जहां आकाश गंगा बरसेगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
शेषनाग नागराज रुद्र और नागरानी मनसा वहीं आकाश गंगा के बरसने का इंतजार करने लगे। शहर में मोर को कुछ अजीब सी सुगंध आने लगी। यहाँ आसपास जरूर कोई नाग है। तुम्हें कैसे पता? मेरी नाक, मैं नागों को दूर से ही सूंघ सकता हूँ। तो चलो ढूंढते हैं। मोर, तारक और तारिका तीनों अलग अलग दिशा में चले गए और नागों को ढूंढने लगे। काफी समय ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तारक और तारिका को मोर पर गुस्सा आने लगा था। यहाँ कोई नाग नहीं है, तेरी नाक खराब है। क्या पता क्या सोच के शैतान ने तुम्हें हमारे साथ भेजा है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं, तुम दोनों को मेरे साथ भेजा है, और हो ही नहीं सकता कि मेरी नाक खराब हो, समझे? तभी उनके सामने एक सपेरा गले में एक नाग लेकर चलता हुआ आया। लो देखो। पर ये नागराज रुद्र और नागरानी मनसा थोड़ी है। पर नाग तो है ना, मैंने नाग बोला था, नागराज रुद्र नहीं। बकवास। अब बस वही एक गली बची है। हाँ चलो वहाँ भी चलते हैं। तीनों उस आखिरी गली में भी गए। आसपास कई लोग थे पर नागराज रुद्र और नागरानी मनसा का कोई अता पता नहीं था। आखिर थक हार कर तीनों शहर के बाहर आ गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ वो नागराज और नागरानी है। मुझे भी, और अगर होते तो शैतान को जरूर दिख जाते। शायद शैतान से कोई गलती हुई है। हाँ हमें वापस चलना चाहिए। मोर, तारक और तारिका तीनों शैतान के पास वापस लौटे। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ वापस क्यों आ गए? हमने सारा शहर ढूंढ लिया, वो नागराज रुद्र और नागरानी मनसा उस शहर में है ही नहीं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है। हमें लगता है गलती तुमसे हुई है मालिक। क्या, मुझसे? असंभव, अभी पता लग जाएगा कि गलती किससे हुई है। शैतान ने अपनी आंखें बंद की और वो नागमणि का ध्यान करने लगा। तभी उसे दिखा कि नागमणि का आकाश गंगा में अभिषेक हो रहा है। शैतान ने तुरंत अपनी आंखें खोली। आकाश गंगा, उस नागमणि का आकाश गंगा में अभिषेक हो रहा है। क्या, तुमने तो बोला वो शहर में है। ये बातचीत करने का वक्त नहीं है। तुम लोग तुरंत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाओ, वो नागराज रुद्र और नागरानी मनसा तुम्हें वहीं मिलेगी। जाओ ले आओ वो नागमणि। शैतान ने अपने तीनों राक्षसों को हिमालय की ओर भेज दिया। क्या शैतान को नागमणि मिल पाएगी? क्या शैतान के राक्षस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को हरा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।